भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में मरीजों को फल वितरित किया गया। कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से कामना किया कि राजीव गांधी अमर रहें और अस्पताल के सभी मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर जाएं। राकेश यादव ने कहा कि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए सदर अस्पताल में फल वितरित किया जा रहा है। राजीव गांधी ने जो कंप्यूटर युग को लेकर क्रांति लाई है, 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया, उनकी सारी क्रियाओं को आज हम याद कर रहे हैं। इस अवसर पर जयंत पाठक, मार्कंडे सिंह, महेंद्र मोहन गुड्डू तिवारी, असलम खान सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, कैसी चोट लगा? हाँ बाकी लगे आ गए दवा मिलता है ना, कोई दिक्कत परेशानी? आज हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, उसी के उस पर हम लोग सदर हॉस्पिटल में फल वितरण कर रहे हैं। उन्होंने जो देश को दिया कंप्यूटर का युग, 18 साल की आयु में वोट देने का अधिकार, तमाम योजनाएं देश को विकास करने के लिए जो उन्होंने प्रयास लगातार प्रयास किया, शायद उतना प्रयास हमारे कोई भी जो है प्रधानमंत्री या नेता नहीं कर सकता जितना प्रयास हमारे माननीय नेता माननीय राजीव गांधी जी ने किया था। उन्हीं की बातों को हम लोग याद करके आज सदर हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्य कर रहे हैं।